मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के एक साल पूरे हो गए शिवराज सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास को गति, ये कहना है पूर्व मंत्री अंचल सोनकर का। जबलपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंचल सोनकर ने भाजपा कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। उनका कहना था कि प्रदेश की सत्ता संभालते ही कोरोना से जो लड़ाई शुरू हुई वह लगातार जारी है। सरकार ने इस पर बजट देने में कोई कोताही नहीं बरती, बावजूद इसके प्रदेश का विकास पूरी रफ्तार के साथ हुआ है और कई मुख्यमंत्री की योजनाओं का फायदा आम जनता को हुआ है। इसके पहले जो सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार आई थी, कमलनाथ जी इसके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक डेढ़ साल के बीच में जो विकास की रफ्तार थी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, रफ्तार घट गई। हो रहा है या नहीं हो रहा है, विकास टोटल बंद हो गया था, विकास बंद हो गया रहा और भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया रहा, और भ्रष्टाचार को लेकर चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। उसके अलावा मोदी कार्यकाल में ये लॉकडाउन होने वाला था, लगने वाला था, और उसी में 23 मार्च कोरोना की विकट परिस्थितियों में श्री राज जैसे उनने संभाला और उसके बाद उन्हें प्रदेश को अच्छे तरीके से कोरोना से बचाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को और प्रदेश के लिए भी और देश में जैसे विदेशों में कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई थी, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। आज हमारे प्रदेश में और हमारे देश में आज प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के इससे बहुत कुछ है यहाँ पे जो अपने मध्य प्रदेश में नहीं हुआ और चाहे प्रदेश काम में नहीं हुआ। इसको रोकथाम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया था, लॉकडाउन लगाया था और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन हुआ जैसे अमेरिका हुआ उन्होंने नहीं माना। और अमेरिका की स्थिति क्या हुई थी, अमेरिका की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अमेरिका की हुई थी, इटली की हुई थी, जापान की हुई थी, रूस की हुई थी, पाकिस्तान की हुई थी, हर देशों की यही स्थिति अपने हिंदुस्तान की अच्छी थी, विदेशों के अलावा लेके सबसे अच्छी स्थिति में अपने हिंदुस्तान की।